गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर आपका 13 और चैप्टर का नाम है वाक्य। तो हम वाक्य में आज क्या पढ़ेंगे वो आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे कोई अर्थ प्रकट होता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? देखो, ऐसे अनार से लेके गज्ञानी तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। उन वर्णों से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो देखो समझो, ऐसे गज्ञानी तक आपका क्या होता है? वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं ना, और इन्हीं वर्णों से हम बनाते हैं शब्द, और इन शब्दों से मिलकर बनते हैं आपके वाक्य, है ना। तो वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, और शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य। अब वो जो वर्ण है, वो जो शब्द है, क्या होने चाहिए? सार्थक, सार्थक होने चाहिए। सार्थक शब्द होंगे जब ही हमारे वाक्य बनेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ऐसे अनार से गज्ञानी तक जितने भी वर्ण होते हैं उनसे हम बनाते हैं शब्द। शब्द कैसे बनाते हैं? जैसे हमने लिया र, आ, मैं। अभी अलग अलग जो आपको वर्ण दिख रहे हैं ये है वर्ण। अब इन वर्णों से हम क्या बनाएंगे? शब्द। तो र, आ, मैं बन गया आपका राम। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह हम लेंगे वर्णों में से राम शब्द बना, इन वर्णों से क्या बना? शब्द बना, है ना। अब इसी तरह के शब्दों के मेल से हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ण बनाया, और वर्णों के मेल, सबसे पहले वर्ण है, वर्णों के मेल से हमने शब्द बनाया, और शब्दों के मेल से हम बनाएंगे वाक्य। जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वर्ण थे, इन वर्णों से हमने क्या बनाया? शब्द बनाया, और शब्दों से हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। ठीक है, इसी तरह से है, टमाटर लाल है, आसमान में बादल हैं, और बाग में फूल खिले हैं। तो ये सब क्या है? वाक्य है, वाक्य है ना। तो अगर हम टमाटर को अलग अलग लिखते हैं, जैसे ट, मैं, आ, ट, र, तो ये क्या है? हमारे वर्ण, है ना, वर्ण है, ये हमारा वर्ण है, और वर्ण से हमने क्या बनाया? शब्द बनाया, और इसी शब्द से हमने क्या बनाया? पूरा वाक्य बना दिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है ये ट, मैं, आ, टेर, टमाटर, तो ये हमारा यहां पर क्या है? वर्ण है। ठीक है, इस वर्ण से हमने पूरा शब्द बनाया, और शब्द से हमने क्या बनाया? एक वाक्य बना दिया। टमाटर लाल है, आसमान में बादल हैं, बाग में फूल खिले हैं। इस तरह से पहले है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इसी तरह से हम आपको एक नोट्स देंगे, जो आपको भेज दिया जाएगा, और उसमें से आप काम करेंगे। ठीक है, वो काम आपको अपनी नोटबुक में करना है, और तय समय पर आपको वो हमसे चेक कराना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।